तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि यस बैंक में कौन सा अकाउंट हमारे लिए परफेक्ट है और कौन सा अकाउंट हमें ओपन करना चाहिए। तो आप वो वीडियो नहीं देखे तो आपसे पहले तो ये निवेदन है कि आप वो वीडियो जाकर देखिए, ताकि आपको पता चल जाए कि यस बैंक में हमें अकाउंट ओपनिंग करने में क्या क्या फैसिलिटी मिल जाती है और अगर हम कोई सी भी अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें कौन सा अकाउंट में हमें कितना मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता। यह हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट विषय होता है कि किसी बैंक में भी एवरेज बैलेंस मेंटेन करना अति आवश्यक होता। अगर आप मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो वहां पे आपको किसी बैंक के द्वारा तो फाइन मारा जाता है मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने के लिए। तो आपसे निवेदन है कि यह वीडियो देखने से पहले आप वह वीडियो देख लीजिए कि यस बैंक में हम अकाउंट ओपन करेंगे तो कौन सा अकाउंट हमारे लिए परफेक्ट है। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे चुका है, सिंपल से आप वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि यस बैंक में हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यस बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यस बैंक में अकाउंट ओपन कैसे करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हम अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल बातें पर आप लोगों के लिए CSE ट्रेनिंग ट्यूटोरियल और नेट बैंकिंग ट्रेनिंग ट्यूटोरियल दोनों लेकर आ गए। तो CSE ट्रेनिंग ट्यूटोरियल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि CSE कैसे अप्लाई करते हैं और CSE में क्या क्या सर्विस मिल जाता है। यहाँ पे आपको CSE के एक एक करके सारे सर्विस देखने को मिल जाएगा। और नेट बैंकिंग ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में हमें माध्यम से हम जानेंगे कि किसी भी बैंक का नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और नेट बैंकिंग कैसे यूज करते हैं। और आपसे निवेदन है कि चैनल से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, क्योंकि आप नेट बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं इस चैनल के थ्रू और CSE के सर्विस भी जान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बैंक के ऑफिशियल डैशबोर्ड पर यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे यस बैंक का आपको ऑफिशियल लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है नाउ ओपन सेविंग अकाउंट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको देखने को मिल जाता है आई वॉन्ट टू ओपन एन SC यानी की अकाउंट। तो सिंपल से आपको यहाँ पे आई वॉन्ट टू ओपन अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स यानी कि आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो सिंपल से आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर देना है और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कैप्चा। सिंपल से आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे आपका कैप्चा वेरिफिकेशन किया जाएगा, तब तक यहाँ पे आपको वेट कर लेना है। तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने के बबाद आपके मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। सिंपल से आपको वो OTP यहाँ पे फिल करना है और OTP फिल करने के बाद यहाँ पे आपका OTP वेरीफाई किया जाएगा। तो सिंपल से आपको यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ईमेल एड्रेस। तो आपका यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिल करना पड़ेगा जो आप अपने अकाउंट से ईमेल एड्रेस लिंक करना चाहते हैं। तो सिंपल से आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस फिल कीजिए और ईमेल एड्रेस फिल करने के बाद नीचे आपको देखने को मिल जाता है वेरीफाई। सिंपल से आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको समय वेट कर लेना है। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन लिंक सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ पे जाके आपको वेरीफाई करना होता है। चलिए हम चलते हैं हम अपने मोबाइल पे और ईमेल एड्रेस पर जो वेरिफिकेशन लिंक सेंड किया गया है उसे हम वेरीफाई करते हैं। तो आपके ईमेल पे कुछ इस तरह से यस बैंक के तरफ से आपका ईमेल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है लिंक। सिंपल से आपको यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ समय वेट कर लेना है और वेट करने के बाद यहाँ पे आपका ईमेल वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप मोबाइल से अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो भी आप इसी तरह से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका ईमेल वेरिफिकेशन होने के बाद आपका ब्राउजर कट हो जाएगा और यहाँ पे आप जिस ब्राउजर में अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं या लैपटॉप से या मोबाइल से, सिंपल से आपको यहाँ पे आपका ईमेल वेरीफाई हो गया। और ईमेल वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आपका पैन नंबर मांगा जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर फिल कर देना है और पैन नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे वेट कर लेना है और वेट करने के बाद यहाँ पे आपका पैन वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका पैन किस कंपनी से बना है और यहाँ पे आपका नेम शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना पड़ता है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए यानी कि EKYC के लिए। सिंपल से आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड डालना है और आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन बटन देखने को मिल जाता है। सिंपल से आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ समय फिर से वेट कर लेना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP सेंड कर दिया जाएगा। सिंपल से आपको वो OTP यहाँ पे फिल करना है और OTP फिल करने के बाद यहाँ पे आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। तो सिंपल से आपको यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको 2 डिक्लेरेशन बटन देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे चेकबॉक्स में क्लिक करके और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है प्रोसीड। सिंपल से आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फुल KYC फीचर
और यहाँ पे आपको ओपन फुल KYC अकाउंट देखने को मिल जाए। सिंपल से आपको यहाँ पे ओपन फुल KYC अकाउंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डिक्लेरेशन। सिंपल से आपको यहाँ पे ओके कर देना है, और यहाँ पे आपको ओके करने के बाद कुछ इस तरह से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है प्रोसीड बटन। सिंपल से आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि आप कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट प्रो प्लस या सेविंग अकाउंट प्रो। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कौन से अकाउंट में हमें कौन सा बेनिफिट देखने को मिलता है। सिंपल से आपको वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सिंपल से आप वहां पे देख सकते हैं। और यहां पे आपको सेविंग अकाउंट प्रो ओपन करते हैं तो यहां पे आपको MVA यानी कि मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 मेंटेन करना पड़ेगा, और यहां पे आपको फ्री वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड दिया जाएगा, और यहां पे अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन ATM बैंक से दिया जाता है फ्री में। ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग अनलिमिटेड कर सकते हैं, IMPS NEFT और RTGS एंड UPI ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और नेक्स्ट में आप इंस्टा एक्सेस अकाउंट टू व्हाट्सएप बैंकिंग भी कर सकते हैं। देखने को मिल जाता है सेविंग अकाउंट प्रो प्लस, तो आपको वही सारा सर्विस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको जिस तरह का अकाउंट ओपन करना है सिंपल से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको यह क्लियर कर दे कि आप सेविंग अकाउंट प्रो प्लस ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। सिंपल से आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप सेविंग अकाउंट प्रो ओपन करते हैं तो आपको रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा अकाउंट ओपन होने के बाद। सेविंग अकाउंट प्रो प्लस ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें सेविंग अकाउंट प्रो प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे यस आई विश टू अप्लाई फॉर डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है ओपन नाउ। सिंपल से यहाँ पे हमें ओपन नाउ पे क्लिक करना है, और ओपन नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड के अनुसार आपका डिटेल्स फिल होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपका नेम देखने को मिल जाता है, आपके डेबिट कार्ड पे क्या क्या नेम प्रिंट होकर आ जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है यहाँ पे आपका जेंडर डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आपका फादर नेम देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपका मदर नेम है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे अपना मदर नेम इंटर करना है, और मदर नेम इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाता है। सिंपल से आपको यहाँ पे सिटी ऑफ बर्थ फिल करना है कि आपका जन्म किस सिटी में हुआ है, और सिटी ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ पे आपका सिटी ऑफ कंट्री तो चूज ही रहेगा किस कंट्री में आपका जन्म हुआ है उसके। और नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको एड्रेस देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है करेंट एड्रेस एज सेम, यानी कि आपका करेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे ही क्लिक कीजिए। अगर आपका करेंट एड्रेस सेम नहीं है, अगर आप कहीं और रह रहे हैं तो यहाँ पे अदर पे क्लिक करना है, और अदर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का डिक्लेरेशन देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे ओके करना है, ओके करने के बाद यहाँ पे आपका एड्रेस फिल करना है। एड्रेस में आपको फर्स्ट में फिल करना है रोड एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, और लैंडमार्क कि आपके नजदीकी में कोई ऐसा फेमस चीज हो जहाँ पे आपका वेलकम किट डिलीवर हो पाए। और नीचे आपको देखने को मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन कोड देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको सिटी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको स्टेट देखने को मिल जाता है, और नीचे आपका कंट्री देखने को मिल जाता है, और नीचे आपको बताया जाता है कि आप करेंट एड्रेस पे कितने सालों से रह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ईयर में फिल करना है, और यहाँ पे आपको मंथ में फिल करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है नियरेस्ट ब्रांच, तो यहाँ पे आपको नियरेस्ट ब्रांच चूज करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ऐड नॉमिनी डिटेल्स, सिंपल से आपको यहाँ पे ऐड नॉमिनी डिटेल्स पर क्लिक करके नॉमिनी डिटेल्स ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। पहले आपको नॉमिनी का रिलेशनशिप चूज करना है कि आपका नॉमिनी क्या लगते हैं, सिंपल से आपको यहाँ पे चूज करना है, उसके बाद नॉमिनी के नेम डालना है, यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे एज डालना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है नॉमिनी एड्रेस। तो नॉमिनी एड्रेस आपके एड्रेस के अनुसार ही है, तो यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस पे सेलेक्ट कराना है, उसके बाद यहाँ पे आपका करेंट एड्रेस के अनुसार है तो यहाँ पे करेंट एड्रेस के अनुसार सेलेक्ट करिए। अगर नॉमिनी एड्रेस अदर एड्रेस से आते हैं तो यहाँ पे आपको अदर एड्रेस फिल करना पड़ता है। और नेक्स्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा प्रोसीड बटन, सिंपल से आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना। चलिए फटाफट हम यह सारा डिटेल्स फिल करके आगे बढ़ते हैं, और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगा। और नेक्स्ट में आपको देखने को मिल जाता है प्रोफाइल, प्रोफाइल में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कस्टमर प्रोफाइल। कस्टमर प्रोफाइल में फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाता है मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है। सिंपल से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ पे आपका रेसिडेंट टाइप देखने को मिल जाता है ओन रेंट, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कहाँ तक पढ़े हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और नेक्स्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपका ऑक्यूपाइजेशन कि आप क्या करते हैं,
और ऑक्यूपाइजेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एनुअल इनकम की आपका एनुअल इनकम क्या है। सिंपल से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ पे आप रेफरेंस कोड है आपके पास तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपको कोई डालने की जरूरत नहीं है रेफरेंस कोड। और नेक्स्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ट्रांजेक्शन पैटर्न। ट्रांजेक्शन पैटर्न में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कैश डिपॉजिट मंथली एनआरआई। तो सिंपल से आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन पैटर्न चुनना चाहते हैं तो चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मंथली विड्रॉल, यहाँ पे आप कितना मंथली विड्रॉल करना चाहते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कितना मंथली डिपॉजिट करना चाहते हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फॉरेन, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है प्रोसीड बटन, सिंपल से आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स देखने को मिल जाता है। पर्सनल डिटेल्स में आपका नेम देखने को मिल जाता है, जेंडर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाता है, बर्थ कंट्री, बर्थ सिटी, फादर्स नेम, मदर्स नेम आपका। और नेक्स्ट में आपका आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स यानी कि आपका मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा, आपका पैन नंबर देखने को मिल जाता है, आपका ईमेल आईडी देखने को मिल जाता है, और आधार नंबर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट में देखने को मिल जाता है प्रोडक्ट डिटेल्स की आपका कौन सा टाइप का अकाउंट है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है अकाउंट टाइप देखने को मिल जाता है, आपका सेविंग अकाउंट है, केवाईसी टाइप देखने को मिल जाता है फुल केवाईसी है, प्रोडक्ट टाइप यानी कि इंडिविजुअल है, और यहाँ पे प्रोडक्ट कोड देखने को मिल जाता है, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम की सेविंग अकाउंट प्लस है। और नेक्स्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एड्रेस, एड्रेस में यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है करेंट एड्रेस। तो सिंपल से आपको यहाँ पे अपना करेंट एड्रेस जो फिल किए हैं आपको यहाँ पे सही से देख लेना है, और उसके बाद आपको कंफर्मेशन देना है। अगर यहाँ पे आपका कोई त्रुटि है तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है नियरेस्ट ब्रांच, जो ब्रांच आप वहाँ पे लोकेट किए हैं, सिंपल से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपका ब्रांच का एड्रेस देखने को मिल जाता है। और नेक्स्ट में यहाँ पे देखने को मिल जाता है नॉमिनी डिटेल्स, तो नॉमिनी डिटेल्स हम डाले नहीं है तो यहाँ पे हमें नॉमिनी डिटेल्स नहीं देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है प्रोफाइल, प्रोफाइल में हमारा यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, रेजिडेंट टाइप, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपाइजेशन, सोर्स ऑफ फंड और एनुअल इनकम देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है ट्रांजेक्शन पैटर्न, तो ट्रांजेक्शन पैटर्न में हम यहाँ पे कैश डिपॉजिट में नील कर दिए हैं, कैश विड्रॉ में 2 लाख, और यहाँ पे फॉरन एक्सचेंज नील है, और यहाँ पे फॉरन आउटवार्ड नील है, और यहाँ पे हमारा देखने को मिल जाता है एक्सपेक्ट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, एक मंथ में आप कितना करना चाहते हैं यहाँ पे आपको एक्सपेक्ट देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाता है सबमिट बटन, सिंपल से आपको यहाँ पे सबमिट करना है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको एक टर्म एंड कंडीशन का बॉक्स देखने को मिल जाएगा, सिंपल से आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन में सेलेक्ट कर देना। और टर्म एंड कंडीशन सेलेक्ट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, सिंपल से आपको वो ओटीपी यहाँ पे फिल करना है। और ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सक्सेस, कंग्रेचुलेशन, वेलकम, जो आपका नेम है सिंपल से आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर आ जाएगा, और यहाँ पे कस्टमर आईडी जनरेट होकर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर जनरेट होकर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका नियरेस्ट ब्रांच जो सिलेक्ट किए हैं सिंपल से आपको वहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ज्वाइन फॉर वीडियो केवाईसी नाउ, तो यहाँ पे आप वी केवाईसी करना चाहते हैं अभी तो सिंपल से आपको ज्वाइन वीडियो केवाईसी नाउ पे क्लिक करना है। और वीडियो केवाईसी नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको भी केवाईसी किया जाएगा, तो भी केवाईसी ज्वाइन नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे सर्चिंग एजेंट, आपका एजेंट सर्च होकर आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ समय में आपका एजेंट सर्च हो जाएगा, और यहाँ पे आपको भी केवाईसी कर दिया जाएगा, और यहाँ पे आपका फुल केवाईसी पूर्ण हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप यस बैंक में भी केवाईसी के थ्रू बिना ब्रांच जाए हुए अपना ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो में हमने जाना है कि यस बैंक में अकाउंट ओपन कैसे करते हैं भी केवाईसी के थ्रू। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि यस बैंक का नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए।